हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चंद शासक ने गोरखाओं के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और डोटी से मुक्ति दिलाई। किसने किया? भारती चंद ने। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल शिलालेख में किस गोरखा शासक के अधिपति के संकेत मिले हैं? अशोक चल गए। महात्मा गांधी ने भारत की दूसरी बाराडोली का नाम कैसे बताया? सल्ट हत्याकांड। अगला प्रश्न है, सल्ट क्षेत्र में किस पुरातात्विक ने सक्रिय भूमिका निभाई? जेल जाने पर सालम क्षेत्र में जनता भड़की। तो किन्ने भूमिका निभाई थी? मोहन मदन उपाध्याय ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने सल्ट में हो रही मंदिरों पर गोली चलवाई थी? तो किसने चलवाई थी? अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जॉनसन ने। आपको याद रखना है इसका नाम। अचंबा में खगमरा कोट किला का निर्माण कहाँ हुआ या किसने कराया था? तो किसने कराया था खगमरा कोट का निर्माण? इसने कराया था भीष्म चंद ने कराया था। भीष्म चंद ने कहाँ कराया था? अल्मोड़ा में। कहाँ? अल्मोड़ा में कराया था। अगला प्रश्न है, अल्पकल्पनीय में ही स्थित है मल्ला महल किला का निर्माण। ठीक है, अल्पनी नहीं है, अल्मोड़ा में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, अल्मोड़ा में लिखा है। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल का निर्माण करने गया था कल्याण चंद ने करवाया था। कत्तूरी राजवंश की स्थापना की थी इसने की थी वसंत देव ने की थी कत्तूरी राजवंश की स्थापना। अगला प्रश्न है, कौसानी में उत्तराखंड की प्रसिद्ध चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो गारियास टी में होता है। गांधी जी ने किस पत्रिका में भारत का बिजनेस नामक लेख लिखा है? तो किस में लिखा है? यंग इंडिया में लिखा है। कहाँ पर? यंग इंडिया में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पुस्तक भारत में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यंग इंडिया, देखिए वैसे तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने? महात्मा गांधी ने लिखी थी यंग इंडिया पुस्तक। मगर अधिकतर लोग ये भी का ये भी मानना है कि उसमें लाला लाजपत राय का सहयोग था। अगला प्रश्न है, पिनाकेश्वर मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो कहाँ पर है? बागेश्वर जिले में है। अगला प्रश्न है, 1988 में संचालित वीकली एवं दैनिक पत्रिका वार्ता का संपादन किया था तो किसने किया था? राकेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के संगीतज्ञ लीलाधर जागोड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1997 में मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नैन सिंह रावत जी को किया गया था। उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्रों में खंजरी वाद्य जनजाति कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन सा है? तो कौन सा है ये वाद्य यंत्र? उत्तराखंड में प्रस्तावित पेच जल विद्युत परियोजना के जिले में है तो ये कहाँ? जल विद्युत टोंस नदी पर है, इसमें टोंस नदी पर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1979 में बनी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर देवीदास पंडित जी थे। कब बनी थी ये? 1979 में। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुड़ा को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1981 में दिया गया था। उत्तराखंड की पवित्र गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? भक्तियाना गिरजाघर में स्थित है। दापका नदी किस जिले में गायब है, मतलब कहाँ गायब हो जाती है दापका नदी? तो इसका उत्तर है, ये कहाँ हो जाती है? अरुणाचल के गर्म पानी में हो जाती है। ठीक है, दबका नदी या दाबका नदी। अगला प्रश्न है, कंसोर ताल किसे जिले में है, किस जिले में, मतलब किस जिले में? तो जी कौन सा है? शोक रायवाला के पास है। ठीक है, शोक सभा रायवाला के पास है। अगला प्रश्न है,
1897 उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में कालू मेहरा किस संगठन द्वारा, कौन सा संगठन बनाया था कालू मेहरा ने? ये थोड़ी भी मिस्टेक है, आपको टाइपिंग मिस्टेक नहीं, ध्यान देना है आपको, आंसर पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो क्रांतिवीर संगठन बनाया था कब? 1897 में। उस टाइम कमिश्नर कौन था? कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रामजे थे। कौन? हेनरी रामजे थे। 1897 में ये रहने वाले कहाँ के थे? चंपावत के थे। कहाँ? चंपावत के रहने वाले थे ये। कौन से गांव के? बिसुम गांव के। चंपावत के बिसुम गांव के रहने वाले थे, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कब की थी? तो 1914 में की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये कहाँ है? कारवा 1988 में स्थापित हुआ था ये, वही कारवा में है, ठीक है। ये है थोड़ा सा मिस्टेक है ये। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो 2015 में बनाया गया था कहाँ है? ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ये हमारा है हल्द्वानी में, ठीक है। आपको ये भवाली में भी है और हल्द्वानी में भी है। गोसाई या साई उपनाम से किसे जाना जाता है? सुमित नंदन पंत को जाना जाता है। इन्हें 1968 में चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस संगीतकार ने नाद नंदन और ढोल सागर पुस्तक लिखी थी? तो केशवराव अनुरागी ने लिखी थी, केशवदास अनुरागी ने। राइफलमैन गवर सिंह नेगी को किस वर्ष अंग्रेजी सेना के सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो 1915 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो पर्वतीय था। कौन सा? पर्वतीय। अगला प्रश्न है, कुमाऊं लेखिका लीलाधर जागोड़ी को किसी वक्ता साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था? तो 1997 में किया गया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था गढ़वाल कांग्रेस का गठन? 1918 में हुआ था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल अनुसूया प्रसाद बोहड़ा के प्रयासों से हुआ था। राज्य में तीरंदाजी नई नीति की घोषणा कब की गई थी? 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1825 में किस आयरिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने मसूरी की खोज की थी? तो कैप्टन यंग ने की थी। अगला प्रश्न है, चीपला केदार मंदिर किस जिले में है? तो किस जिले में है चीपला केदार मंदिर? पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ? पिथौरागढ़ जिले में है ये, ठीक है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, मनमंत सागर पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मनमंत सागर पुस्तक की रचना किसने की थी? मोरा राम तोमर जी ने की थी। अगला प्रश्न है, काफर पाक को गीत के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकुमार बसवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, चीला जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के जिले में है? तो किस जिले में? पौड़ी में है। अगला प्रश्न है, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे उत्तराखंड के जिले में स्थित है? तो चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन है? मोहनी लाल जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? मधुमिता बिट्टी जी को जाना जाता है। किसे? मधुमिता बिट्टी जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? पिथौरागढ़ है। कौन सा? पिथौरागढ़ है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, विनियोग माउंटेन आंगन मतलब माउंटेन क्वीन कहाँ पर है? प्रयोगशाला है ये। क्या है? प्रयोगशाला है ये। इचारी बांध ये कहाँ पर है विनियोग? ये मसूरी में है। इचारी बांध किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, आपको याद रखें। क्या है ये? थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। नैनीताल कर लेना। क्या है? नैनीताल। यहाँ नैनीताल कर लेना। नैनीताल की खोज किसने की थी? पी वैरन ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंडारी महोत्सव उत्तराखंड किस स्थान में मनाया जाता है? तो चौदास कहाँ पड़ता है? ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। कंडाली सब पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम राज अधिनियम का लागू किया गया था? तो पंचायती राज अधिनियम का लागू किया गया था। पंचायती है यहाँ पर, तो पंचायती राज अधिनियम लागू किया था 24 अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च शिक्षा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। कहाँ? हल्द्वानी में स्थित है, हल्द्वानी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है,
जौनसार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जौनसार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जौनसार भावर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो किसने लिया था? भरत जोशी जी ने लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द हिल्स था। कौन सा? द हिल्स था। किसके किसमें छपा था? ये जॉन मैकिनन 1842 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीरी गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस परमार वंश के राजा ने किया था? तो कीर्ति शाह ने 1901 में। परमार वंश के शासक को गौरवभंजन की डिग्री किसने दी थी? या किसने पाई दी थी? महीपति शाह को दी गई थी। ठीक है, किस शासक को दी गई थी? महीपति शाह को दी गई थी। आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, भजनी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो किस हिस्से में पहना जाता है? कान में पहना जाता है, भुजनी या भजनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका कुंड किस जिले में स्थित है? तो मणिकर्णिका कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने मुगल गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोर ने लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो त्रिलोक सिंह बछीड़ा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो कौन किससे? वॉलीबॉल से है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू प्रत्यारोपण संस्थान की स्थापना किसने कब की गई थी? 1965 में की गई थी। 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? तो राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1932 में हुई थी। आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राजा के महीपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो माधव सिंह भंडारी जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1988 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह कब किया था? तो बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह 24 मई 1984 को किया था। उत्तराखंड किस जिले में 5 स्टेडियम हैं? तो पौड़ी में हैं। कहाँ? पौड़ी में हैं 5 स्टेडियम। अगला प्रश्न है, चंद सिंह गढ़वाली का असली नाम क्या है? तो चंद सिंह नेगी नाम है। क्या? चंद सिंह नेगी नाम है। अगला प्रश्न है, नगाड़े खामोश हैं कलाकार इस नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है? गिरीश तिवारी गिरदा हैं, सॉरी वोलू तिवारी गिरदा हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साकेत शैलेश मटियानी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो शैलेश कहाँ हुआ था? ये होता अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बड़े छीना गांव में, अल्मोड़ा के बड़ा छीना गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे नाम किसे कहते हैं? तो सिपरसार डबराल जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मसूरी में सबसे पहले स्थापित जल विद्युत परियोजना का नाम क्या था? तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 1914 में स्थापना हुई थी। कहीं कहीं मिलता है 1909 और कहीं 1914। तो आपको जो भी आंसर मिले हैं आप उसको सही कर सकते हैं। दोनों में से एक ही दिया गया होगा, या 1914 या 1909। बिरती जलप्रपात कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में है। आपको याद रख के चलना है। कहाँ? पिथौरागढ़ में। ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक ज़्यादा हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक शारदीय बिखोती महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? शारदीय बिखोती महोत्सव को तो क्या है? ये अल्मोड़ा में है। कहाँ? अल्मोड़ा में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फार्मास्यूटिकल कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में स्थित है, रानीखेत के अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जनजाति के लोग मुंडा और कुमाऊनी भाषा बोलते हैं? तो ये मुंडा और कुमाऊनी भाषा कौन बोलते हैं? ये हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली लोग बोल जाते हैं। जो भोटिया लोग हैं वो बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस जिले में सोना निकाला जाता है? तो ठीक है, सोना कहाँ से निकाला जाता है? तो ये शारदा नदी से निकाला जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ? तो सोना कहाँ से निकाला जाता है? शारदा नदी से निकाला जाता है। कहाँ? शारदा नदी से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गढ़वाल में 301 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर फ्लैश सोना तट पर बिहार की स्थापना किसने की थी? यह कब हुई थी? किसने नीति की थी? कब हुई थी पूछा गया है। तो कब हुई थी? ये हुई थी 1987 में। रद्द विकास अभिकरण का संबंध इससे है? चलिए छोड़िए ये प्रश्न। हाँ, ये देखिए, लैंग्वेज का विज्ञान किसे कहता है? लैंग्वेज का विज्ञान मैक्स मूलर को कहा जाता है। किसे? मैक्स मूलर को।
ठीक है, भाषा विज्ञानी किसे कहता है, मैक्स मिलर को। हरी राम दसमाना ने अपनी कौन सी किताब में गढ़वाली को संस्कृत भाषा का अंग बताया है, वेदमाला में। अगला प्रश्न है, देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको नाम रख के चलना है। हिलासी किसकी प्रमुख रचना है, तो भगवती प्रसाद पांत्री की है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है, तो उच्च शिक्षा निदेशालय हमारा कहाँ स्थित है, उच्च शिक्षा निदेशालय यह है, उसकी निदेशालय हल्द्वानी में। कहाँ, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी सदानंद ने की थी 1902 में, कितने, स्वामी सदानंद ने। अगला प्रश्न है, बैक्टेरियोलॉजिकल मठ की स्थापना किसने की थी, तो अगला प्रश्न था, गढ़वाल में अंग्रेजी पत्रकारिता का विश्वतमा किसे कहा जाता है, विश्वधर रंदोला जी को कहा जाता है। जय भारत जय उत्तराखंड किसकी प्रसिद्ध रचना है, राजेश दसवाना जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये पंतनगर में स्थित है, कहाँ, पंतनगर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारतीय सीनियर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बाल सुंदरी मेला कहाँ लगता है, तो बाल सुंदरी मेला काशीपुर के उधमसिंह नगर में लगता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से की जाती है, तो लीपुलिया के दर्रे से की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हुड़किया बोल किस अवसर पर मनाया गाया जाता है, तो गढ़ाई रुपाई और गढ़ाई के समय मनाया जाता है, हुड़किया बोल उत्सव। अगला प्रश्न है हमारा, कफनी में कहाँ पर है प्रपात, जलप्रपात कहाँ पर है, कफनी बागेश्वर में है, आपको याद रखना है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, तो कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमारे आज का लास्ट प्रश्न था, यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।